बसपा सुप्रीमो मायावती के भतीजे आकाश आनंद की राजनीति में री एंट्री हो गई है। उन्हें एक बार फिर से बसपा का नेशनल कोऑर्डिनेटर बनाया गया है। मायावती ने रविवार को एक बैठक के दौरान भतीजे आकाश आनंद के सिर पर हाथ रखकर आशीर्वाद दिया और पीठ थपथपाई। इस बैठक में आकाश आनंद को मायावती का उत्तराधिकारी भी बनाया गया। बता दें कि लोकसभा चुनाव के दौरान मायावती ने आकाश आनंद को अपरिपक्व बताकर पार्टी के नेशनल कोऑर्डिनेटर के पद से हटा दिया था। बसपा सुप्रीमो मायावती ने पार्टी की एक बैठक बुलाई, इसमें उनके भतीजे और उत्तराखंड पंजाब में विधानसभा उपचुनाव में स्टार प्रचारक बनाए गए आकाश आनंद भी शामिल हुए। बैठक में आते ही आकाश आनंद ने मायावती के पैर छूकर उनसे आशीर्वाद लिया। लोकसभा चुनाव के बाद बसपा की ये पहली बैठक थी, इसमें देश भर से पार्टी के वरिष्ठ नेता शामिल हुए। बसपा अध्यक्ष मायावती आकाश आनंद के साथ इस बैठक में पहुंची। इस दौरान आकाश आनंद ने सबसे पहले झुककर मायावती के पैर छुए आशीर्वाद दिया। मायावती ने भी खुश होकर उनके सिर पर हाथ रखा और उनकी पीठ थपथपाई। बता दें कि वो लोकसभा चुनाव के ठीक बीचों बीच का वक्त था, करीब 7 मई के आसपास का, जब आकाश आनंद को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाया गया था। और अब जब नतीजे आए हुए करीब 20 दिन बीत चुके हैं तो आकाश आनंद की बसपा में वापसी हो गई है। करीब 1.5 महीने बाद आकाश आनंद फिर से बसपा में अहम जिम्मेदारियों को संभालने के लिए तैयार है। दरअसल पंजाब और उत्तराखंड में विधानसभा के उपचुनाव होने हैं। बसपा ने इसके लिए अपने 13 स्टार प्रचारकों की सूची जारी की थी। इसमें पहले नंबर पर बसपा मुखिया मायावती का नाम है और दूसरे नंबर पर आकाश आनंद का। तीसरे नंबर पर उत्तराखंड के लिए रामजी गौतम हैं, जबकि पंजाब के लिए रणधीर सिंह बेनीवाल। उत्तराखंड की 2 और पंजाब की 1 विधानसभा सीट पर 10 जुलाई को उपचुनाव के लिए मतदान होने हैं। लोकसभा चुनाव प्रचार के दौरान मायावती ने विवादित बयान को लेकर आकाश आनंद को साइडलाइन किया था। मायावती ने कहा था कि पूर्ण परिपक्वता आने तक आकाश आनंद को अहम जिम्मेदारियों से अलग रखा जाएगा। 4 बार यूपी की मुख्यमंत्री रह चुकी मायावती की पार्टी बसपा की अब यूपी में स्थिति कमजोर है। अब बसपा का सिर्फ 1 ही विधायक है। बसपा ने लोकसभा चुनाव के साथ साथ यूपी में हुए 4 विधानसभा उपचुनाव में भी अपने प्रत्याशी उतारे थे, हालांकि किसी भी सीट पर बसपा को सफलता नहीं हासिल हुई। यहां बताते चले कि लोकसभा चुनाव के दौरान मायावती के भतीजे आकाश आनंद अपने बयानों को लेकर चर्चा में आए थे। आकाश ने सीतापुर में जनसभा के दौरान बीजेपी सरकार पर जमकर निशाना साधा था और तालिबानी, आतंकवादी जैसे शब्द तक इस्तेमाल कर दिए थे, जिसके बाद उनके खिलाफ सीतापुर में केस दर्ज हुआ था। वहीं बसपा सुप्रीमो मायावती ने भतीजे आकाश आनंद को इन बयानों के बाद अपरिपक्व बताकर नेशनल कोऑर्डिनेटर और अपने उत्तराधिकारी पद से हटा दिया था। वहीं बीजेपी पर फायर आकाश आनंद को हटाने से सपा समेत विरोधी दलों ने मायावती को कटघरे में तक खड़ा कर दिया था। मगर अब लोकसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद परिस्थितियां बदली हुई सी हैं और आकाश आनंद को फिर से अपनी जिम्मेदारियां मिल गई हैं। NBT ऑनलाइन की रिपोर्ट।